बताएंगे लड़का क्या करता है। लड़के का दोस्तों जो पूरी फैमिली है, लड़का तीन भाई हैं और जो लड़का है मतलब जिस लड़के से इसका शादी तय हुआ वो घर में छोटा बच्चा है और घर में बड़ी। फाइनली अभी हम लोगों को बहुत सारा शॉपिंग करना है दोस्तों, क्योंकि रिया का जो रिंग सेरेमनी है वो कम्प्लीटली फाइनल हो चुका है। किस डेट को है, किस तारीख से है, आपको बता दिया जाएगा। पूछ रहे थे पास में पढ़ती है रिया का, आप लोग को बता दे इसका शादी हो जाएगा तब भी कंटिन्यू पढ़ेगी। फाइनली दोस्तों रिंग सेरेमनी का डेट पड़ चुका है और बहुत जल्दी रिया का एंगेजमेंट जो है गोरखनाथ मंदिर में होगा और आप सभी लोगों को भी हम नेता देंगे, बुलाएंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि आप लोग को नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे। और बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि रिया का शादी इतना जल्दी क्यों कर रही हैं, तो देखिए अगर शादी नहीं करेंगे हम तो हमारे पास तीन तीन बच्चियां हैं, इसका शादी करके निकाल देंगे तब तो सिया का नंबर आएगा। सबसे पहले छन का नंबर आएगा। अच्छा तुम्हारे शादी में क्या चाहिए तुमको, ये झगड़ा कर रही है दोस्तों, ये कह रही है कि रिया के शादी में का गार दे रहे हैं, हमारे शादी में क्या देंगे, तो बताइए रिया को। अच्छा रिया तीन गाड़ी है, तीनों का गो ले लेना, इसमें से तुम कौन सा गाड़ी लोगी, छन कौन सा गाड़ी लेगी और सिया कौन सी गाड़ी लेगी। दोस्तों तीन लोग हैं, देखो तीन हमारी बेटियां और तीन गो गाड़ी है हमारे पास, हम लोगों ने डिसाइड किया है तीनों लोगों को एक गाड़ी दे देंगे, हम लोग साइकिल से चलेंगे, तुमको साइकिल पे पहले की तरह साइकिल। जैसे हम लोग पहले साइकिल से जाते आते थे वैसे साइकिल से आएंगे जाएंगे और स्कूटी से घूमेंगे, दूर जाना रहेगा तो स्कूटी से जाएंगे। तो रिया एक सेकेंड रिया को बता दो, रिया तुमको कौन सी गाड़ी चाहिए इसमें से, तीनों में से बता दो तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए। देख लो तीन गाड़ी है, हमको इसमें से कोई नहीं चाहिए, हमको थार चाहिए। क्या चाहिए? थार। थार चाहिए बेटा, थार चाहिए हमारे बेटे को, गाड़ी चाहिए थार। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, बताओ ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, इसको ये गाड़ी नहीं चाहिए बताइए, इसको थार चाहिए बताइए, इतनी बड़ी गाड़ी है इसको नहीं चाहिए बोलिए। इतना बढ़िया बढ़िया न्यू गाड़ी रखे है, इतना पोछते हैं हम अपने बेटे के लिए गाड़ी को, रोज साफ सुथरा करते हैं कि हमारी बेटियों को तीन गाड़ी है और तीन लोग, हम दोनों लोग मिलकर के गाड़ी को रोज एकदम दुल्हन की तरह इसको पोछते हैं, धोते हैं कि हमारी पॉलिश लगाते हैं कि गाड़ी पुरानी ना हो, हमारी तीनों बेटियों को एक एक गाड़ी दिया जाएगा। लेकिन ये लोग तो लग रहा है झटका बरियार देने वाली है, जैसे गैलकवा नहीं कह जाला भाई, कोई गाड़ी नहीं चाहिए हमको, चार पहिया वाला BMW। अरे बस 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 ये से ज्यादा नहीं, BMW BMW चाहिए इसको दोस्तों, छन को BMW चाहिए। चलो बेटा तुम खरीद लेना BMW। कान में से मेरा खून आ रहा है, देखिए देखिए मेरे कान में से खून आ रहा है। कौन सा गाड़ी चाहिए बाबू आपको? अरे बाप ना कहो रे, हमारे लार्जी बॉस है। नहीं बेटा टेंशन ना लो, आप बाबा ने छोड़ दिया, आपके पापा भी जिंदा है, BMW ला के देंगे हम अपनी बेटी को। पापा का घंटा बजी है, बाबूजी हमारे बाबूजी दोनों जाने मिल गई है ना, तब वो BMW ना खरीदा पाई। आगे बोला ऐसी बात है, सिखाया BMW खुद से, इतना टैलेंट। कितने का आता है बेटा कार BMW? कितने का आता है? पैया हो मैया। कितने का आता है? कितने का? करोड़ रुपया का। तब तो लीवर किडनी बेचवा दोगी जी? हां लीवर दोनों किडनियां बेच दे तब पर करोड़ रुपया ना मिली। ना मिल जाए? नहीं मिली। कौन किनी? अगर कौन किना था मैं किडनी बेचे कर किन तैयार। अरे नहीं नहीं नहीं, रेडम की साइकिल। अच्छा आप साइकिल चाहिए? हमने BMW चाहिए। तो अगर जिद रही, अगर अगर एक किडने के बदले अगर BMW। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिया दूध लेके आ गई, देखिए दोस्तों इसका डिप्टी है दूध लेने वाला, इधर आ जा 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 सिया इधर आ जाओ, तुमको इंतजार कर रहे थे सभी लोग, चलो 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 वहाँ पे इंतजार कर रहे सब लोग, चलो बहुत मैटर बड़ा है आज, मैटर बहुत बड़ा है, यहाँ देखो मैटर बहुत बड़ा हो गया, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। जैसे देखो हमारे पास बेटी तीन कारें हैं, सुन रहे ये सभी लोगों को एक एक गाड़ी चाहिए, इसमें से तुम्हें तीनों में से एक सेकंड का कर रही, दूध अंदर धरवा, दूध अंदर धो के आओ बहनी, ठीक ना? हाँ ए बेटा देखो हमारे पास तीन कार है, ठीक ना, तीनों कार में से आपको कौन सा कार चाहिए शादी में, इसको तो मान लीजिए थार चाहिए, इसको तो मान लीजिए BMW चाहिए, आपको कौन सा चाहिए? कम बजट बताइए। अरे बाप रे बाप,
फॉर्च्यूनर तनी मनी किना हो जाए लेकिन आई दोनों मिलन के सुन ना किन देबा औकात बा उन फॉर्च्यूनर का औकात जब तक तू होगी तब लेकिन इनन वाला तनी गड़बड़ा आ जाता है ना येऊ का औकात येऊ का वाला तनी खतरनाक बा इसका तो नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल आपको तो साइकिल चाहिए कभी भी हो जाएगा ए तो मेरी बच्ची है जो दिल जीत लेती है क्या चाहिए आपको आपको ये डब्लू नहीं चाहिए आपको बस यही चाहिए इसको यही चाहिए अगर हमारे एक किडनी के बदले BMW मिल जाता तो हम तो दे दे दुनिया में इतिहास दिखाई एगो महतारी अपने बेटी के किडनी बेच के BMW कार गिफ्ट कैले रहल दुनिया में इतिहास इतिहास रचाई यूट्यूबर जिंदाबाद रही यूट्यूबर पर जब तक हमार फैन फॉलोअर रही है जब तक जिये जितना मतलब हमारे लेवल के जितना रही है जो हमारे वीडियो शुरू से लास्ट तक देखत रही जब तक उ लोग का जिंदगी रही जब तक हमारी जिंदगी रह लोग का जिंदगी रही तब तक उ लोग हमें याद करिए याद में हरदम रह आ लोग कही है कि छन छन बेटी खातिर गोरखपुरिया बहुजी अपन एगो किडनी बेच के BMW दान दे ले रही बेटा अगर एक किडनी सुनो सुनो एक किडनी पर भी इंसान जिंदा रह सकता है ठीक है ऐसे भी हम कुछ काम हम करते नहीं है काम के न काज के दुश्मन अनाज के हम है घर में चला ठीक बा कोनो बात नहीं हमके एक बात ही ले काम कर दे अच्छा चला ठीक बा तो चलिए दोस्तों अभी देखिए इन लोगों का तो फरमाइश हो गया अब दोस्तों आइए मेन मुद्दे पे आते हैं फाइनली अभी हम लोगों को बहुत सारा शॉपिंग करना है दोस्तों क्योंकि रिया का जो रिंग सेरेमनी है वो कम्प्लीटली फाइनल हो चुका है किस डेट को है किस तारीख से है वो है आपको बता दिया जाएगा लेकिन उस हाँ उसके पहले मुझे बहुत सारा शॉपिंग सबसे पहले मैडम छत लगवाना है ये छत लगवानी तो सब हो जाएगा पहले इसको थार खरीद के दीजिए भाई ये थार में घूमना चाहती है कह रही हमको थार में घूमना है अच्छा थार चलाएगी थार चलाएगी और तुम क्या चलाओगी फॉर्च्यूनर चलाएगी फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर चलाएगी तो क्या कहेंगी कुछ और भी कहना चाहती है पब्लिक के बारे में मेरा दिमाग में जो है ना दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब सुन हो गया दोस्तों ऐसी कोई पूछ रहा था पास में पढ़ती है रिया का आप लोग को बता दे इसका शादी हो जाएगा तब भी कंटिन्यू पढ़ेगी पढ़ेगी क्योंकि इसका गौना हम करेंगे साथ ऐसा नहीं है कि पढ़ेगी नहीं गौना पढ़ेगी शादी हो जाएगी दोस्तों गौना इसका होगा अरे गौना होगा 7 साल बाद अरे हम लोग जीते जी सोच रहे रिया का शादी करा ले पता नहीं हम लोग नहीं रहेंगे तो कौन देखभाल करेगा अरे बेटा क्या बात करे बता दो तुम ही तुम ही बताओ गौना होता है ना हम लोग में गौना होता है लोग निशान है दोस्तों तो हम लोग में मतलब अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि ब्याह में विदाई हो जाता लड़की के लेकिन दोस्तों हम सोचे कि हमारी लड़की का शादी हो भी जाएगा और मेरे पास भी रहेगी क्योंकि इसका शादी होने के 7 साल बाद ही इसका विदाई होगा और जो भी इसका पढ़ाई का ये है पढ़ाई का इसके जो देखे दोस्तों रिश्ता बार बार अच्छा नहीं मिलता इतना अच्छा रिश्ता मिला है दोस्तों आप लोग को सारा चीज हम समय से बताते रहेंगे सारा चीज आप लोग कहेंगे तभी शादी होगा आप लोग कहेंगे कि भाभी आप शादी मत करो तो हम नहीं करेंगे लेकिन उस लड़के के बारे में आपको बताएंगे लड़का क्या करता है लड़के का दोस्तों जो पूरी फैमिली है लड़का 3 भाई हैं और जो लड़का है मतलब जिस लड़के से इसका शादी तय हुआ वो घर में छोटा बच्चा है और घर में बड़ी है मतलब मेरे घर में बड़ी है उस घर में छोटी बहू बन के जाएगी और दोस्तों आप लोग को ये भी बता दें उसके घर में जितने लोग हैं सब सर्विस वाले हैं मान के चले सरकारी नौकरी वाले इतना अच्छा मिलता नहीं है रिश्ता और जो लड़के से इसकी शादी होने वाली है वो भी आर्मी में ज्वाइन होने वाला है तो दोस्तों इसीलिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है।